ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाई भोनी मानंकु अमृत धारार कार्यक्रम रे मो स्वागत जनाउची। आज चलंतु देखिबा परमात्मांकर किभली धरापृष्ठ रे अवतरण हेछि, प्रकृत रे केउ आधार आमे भगवानकर अवतरण को युक्ति रे चिन्हि परिबा, से विषय आज आमे आलोचना करिबा। परमात्मा ए सृष्टि रा आदि सत्ता, शांति आनंद प्रेम पवित्रतार सागर। परमात्मांकर नाम सुनिले शरीर रे गोटे अपूरंत आनंद खेली जाए, जेपरी भोकिला मनीषर क्षुधा मिंटे, सुखिला उठरे हस खेले, सेमती परमात्मांकर स्पर्श सते केते सुंदर। संसार प्रत्येक व्यक्ति चाहिथांती परमात्मांकर सानिध्य को प्राप्त करिबा पई, किंतु काही केते जन को अनुभव हुए परमात्मांकर सेई सानिध्य। जेतेबेळे संसार कटुता आरंभ हुए, सारा संसार दुख आसे, झड़झंडा मध्यरे मनुष्य इतस्तत हो जाए, समस्त संसार सुख असार लगे, सेतेबेळे परमात्मांकर सानिध्य पाइबा पई मनुष्य इच्छा करे। आज जेतेबेळे आमे समस्ते भगवान का पाखु जीवा पई कि इच्छुक, आम भगवान का प्रति स्नेह श्रद्धा प्रेम रो व्याकुलता जेतेबेळे भगवान का पाखरे पहुँचे, सेतेबेळे परमात्मा ही आम को यथार्थ परिचय दे थांती तथा निजर करी थांती। मोर सृष्टि आउ परमात्मांकर प्रकृष्ट परिचय दे से आमको सत्य सन्धान आड़क अग्रगति करी थांती। आज आम देखुचे समाज रे कि भली भावरे व्यवस्था रही, क्यों भली भावरे दुख दुर्दशार व्यक्ति माने निजर समय को अतिवाहित करछंती। प्रकृतरे जेतेबेळे ए समाजर मानविक मूल्यबोधर ह्रास पाए, कौन सी प्रकार राष्ट्रे मौलिक आवश्यकतार अभाव हुए, सेतेबेळे राष्ट्र दुर्बल राष्ट्र उपरे सबल राष्ट्रर प्रभाव, आणविक क्षेपणास्त्रर अपप्रयोग, स्वेच्छाचारिता, प्रत्येक आत्मांकर दुख दुर्दशार बीतुवा समय स्नेह प्रेमर जेतेबेळे बंटा हुए, अर्थात भाई भौणी पति पत्नी बाप झियंक पवित्र संपर्क भितर जेतेबेळे विकारर अंश आसे, से समय रे धर्मग्लानी हुए। एही धर्मग्लानी समय रे परमपिता परमात्मा ए धरापृष्ठ रे अवतरण होंती एवं निज संतान मानंकु उद्धार करी निज पाखकु नै जाइथांती। वर्तमान ए संसार दुख समय रे केही केही भाबुची जे 2000 वर्ष पूर्वरु भगवानकर अवतरण समय रे जेमती थिला वर्तमान समय सेमती अछि, किंतु वास्तवता ताहा नै। तम प्रधान समय रे आमी बहुत दुख अनुभव करछु। आज जिते शास्त्र पुराण पढ़िले भी प्रकृत सुख आमे अनुभव करि पारनौ, ताले कहि पारिबे कहा घरे गीता अध्याय नाही कि कहा घरे किए क्यों दिन गीता पढ़ुनी, किंतु आज आम गीतार पढ़वर केते सुख नौचु, गीता को मानुचु, गीता र मानुचु, किंतु गीता को मानुनु। गीता र मानिबा अर्थ गीता देखिबा, पढ़िबा, श्लोक अध्ययन करिबा, पुनर्बार ताकु बांधिकी रखिदबा। गीता को मानिबा अर्थात पढ़िबा, गीता श्लोक को जीवन धारण करिबा, सेई पथरे प्रतिदिन चलिबा। आज साधु संत माने कहउछंती बहुत धर्म कथा आमे भी ताकु सुनी चलचु, किंतु वास्तव आम कर्म रे ता प्रतिफलित हेउनी। आमे कोन पई कि ताकु निज कर्म रे आनी पनु सिति पई भी थाए, किंतु परमात्मांकर सानिध्य पाइबा पई आमे ते इच्छुक। सब प्रकार शास्त्र पुराण धर्म संस्था जेउंटी भगवानकर नाम संकीर्तन हुए, जेउंटी भगवानकर चर्चा हुए, सेठि भी आमे भगवानकर सानिध्य को खोजी बोलु, किंतु वास्तव रे भगवान सेठि न थांती। भगवान कहंती जेतेले धर्म ग्लानी हुए मु निजे आसे धरापृष्ठ को, आ मो निज परिचय मु निजे दिए, सेति पई मते स्वयंभू कहा जाए, अर्थात स्वयं भूमि ऊपर आसे अवतरण ही सत्य ज्ञान रो परिप्रकाश करी थांती। से गीतार श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात धर्म रो पुनस्थापना करिबा पई परमात्मा आज अवतरण हो सारी छंती एवं सत्य ज्ञान आम आखि आगे रखी सारी छंती। एतद व्यतीत कौन सी दाम्भी लोक निज को भगवान कहते, अर्थात
ब्रह्म अस्मि स अस्मि अहं ब्रह्म ब्रह्म तत्व परम ब्रह्म एमती केतेज आत्मा कही निजकु भगवान स्थान रखी परम पूज्य हेबार आशा रखिंट बास्तव रहा केते दूर सत्य आज आम ताको आलोचना करिबा केते गुड़े जुक्ति माध्यम कहीं यह जापर जे निजकु भगवान कहता व्यक्ति केते दूर सत्यासत्य आखिर क्यों प्रकार जुक्ति प्रयोग करा जाय पारिबो। प्रथम भगवान कहिचंती मु सारा वृक्षर बीज स्वरूप अटे अर्थात जेमती बीज मध्य सारा गछर सार तिरोभावित होइथाय ठीक सेमती ए सारा संसार रो ज्ञान मु परमात्मा भीतर ही थाए किंतु कौनसी व्यक्ति केबे हेले निजकु परमात्मा कहि पारिबेनि सेथिपई आज संसार रे ये वृक्षर रहस्य को जे जानी से ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी अथवा से ही परमात्मा से गीतार पंचदश अध्याय कहा जाए ऊर्धमूलम अर्धशाखाम अस्वस्थम प्राहुरव्यम छंदासी जस्य पर्णानी जस्तम वेद सवेतवित अर्थात जो गछर मूल उपरक अच्छी शीर्ष तल को अच्छी अधा अधरे शाखा प्रशाखा छंदी हो अच्छी ये रहस्य जे जानी स वेदवित अर्थात से ही ज्ञानी अर्थात ये मनुष्य रूपक वृक्षर ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा ही दे था कौन सी मनुष्य आत्मा ना ये ज्ञान दे पारे ना निजक ये वृक्षर बीज स्वरूप कहीपर द्वितीय आम देखा जे स्वयं परमपिता परमात्मा ये आत्मा मानकर आवागमन को ही जानी था अर्थात धरापृष्ठ से आत्मा केतले अवतरण करे केते जन्म निए को जन्म रे क्यों भली भावरे अभिनय करे तेणु जेतले गीतारे भगवान कहिले तू तो जन्म को जानिनौ पछ जन्म को मु ही जानिछि ताहले जदि मनुष्य निज जन्म को जानिनी से अन्य मानक जन्मर कहानी बा केमति कहिबो। आज सत्य त्रेतया द्वापर जो पछ युग बीती जाइछि से युगर इतिहास साधारण मनुष्य को हुए तो आज जना नहीं जे भली सत्य रे आठ जन्म तृतीयारे बार जन्म द्वापर एक जन्म रे आमे अवतरण ए धरापृष्ठ को आसी आम निज निजर अभिनय करमती पछ जन्मर रहस्य आज मनुष्य को जना नहीं जार सत्यासत्य स्वयं परम पिता परमात्मा ही दे था परमात्मा ए धरापृष्ठ से अवतरण कर निजर देवी देवतांकर रूप धाम गुण कर्तव्य एवं धर्मर सत्ता उपर भी आलोचना करी जहाँकि कौन व्यक्ति विशेषंकर करिबा पक्षे असंभव होता है। आज स्वयं भगवान कहते जे देवी देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर हूँ से मानकर रहिबा स्थान से मानकर धामर परिचय मो पाखे ही अच्छी आ ही स्वयं परमपिता परमात्मा ये संपूर्ण आकाश तत्व उपरे गोटे सुंदर अखंड ब्रह्म महत्त्व अच्छी जो ज्योति महत्त्व रे मु रहिबे मु ही रुहे अर्थात मु निराकार मु अव्यक्त मु परम ब्रह्म मोर परिचय साधारण मनुष्य मानक पाखरे मिलिबा कष्टकर व्यापार। आज जो माने भी निजकु अखंड ब्रह्म तत्वर परिचय दे निजकु ब्रह्मास्मि कहुचंती से माने केबे हेले परम धामर रूप रचना करिपरिबेनि परम धामर चित्र स्पष्ट भावरे कहिपरिबेनि तेणु मु ही ए मो निजर परिचय दे थाए तापरे जो धर्म स्थापन हुए आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रकृतरे भारतरे प्रथम धर्म ही यह थिला। आज किंतु आमे अपभ्रंश करी ए धर्म को आमे आदि सनातन देवी देवता बदल रे हिंदू कहीदेचु हिंदू कहार वास्तविक अर्थ आमे माने सब हिंदुस्तानी आमर स्थान ना बा जगार ना ही हिंदू किंतु हिंदू धर्मी आमे नुहे कहें कारण हिंदू कौनसी वस्तु नुहे बा हिंदू कौनसी मूर्ति नुहे बा हिंदू धर्मर प्रतिष्ठाता कई नहांती जमती बौद्ध क्रिश्चियन बा इब्राहिमी हूँ धर्म स्थापक अच्छा सेमती हिंदूर धर्म स्थापक कही ना किंतु आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापक स्वयं परमपिता परमात्मा एवं आज भी आम प्रति घरे कौन सी हिंदू मूर्ति नुहे
बरं देवी देवतांकर मूर्ति पूजा करी थाओ तेणु यही सत धर्म आदि सनातन मूल धर्मर स्थापना ही स्वयं परमात्मा करी थांती कौन सी मनुष्यात्मा ए धर्मर स्थापना करे पारिबेनी भगवान ही सब संबंधर भासना दे थांती सेथिपाई कहा जाए त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेवं विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेवं मम सर्वदेव देव भगवान ठारे आम माता पिता बंधु सखा स्वामी समस्तंकर स्नेहर संपर्क स्वाद चाखी पारिबा परमात्मा एक साधारण शरीर अवतरण करी आमको ये सब संबंधर स्वाद चखे थांती कौन सी मनुष्यात्मा तो निजे गोटे संबंधर सुख आज पर्यंत पाइबा ता निज पक्षरे असंभव हो पड़ुछि से बा मनुष्य आत्मा को बा सर्व आत्मा को सब संबंधर सुख बा केमती दे पारिबो तेणु ए संबंधर सुख केवल परमात्मा ही देबा पाई कि समर्थ हो थांती भगवान ही कर्मर गुह गति को जानी थांती जो गहन गति आम सामना आसिले आम भविष्य संपूर्ण जन्मर इतिहास आम आखि आगे स्पष्ट हो जाए कहीं कहीं कहते कर्मफल आज ना समस्त को भोगवाक पड़ो कहीं कर्म गोटे एमती फल कहीं ना कहीं नहांती जे से ताकु छाड़ी निज निज स्थान निज निज बाट काढ़ी चली जाइंती आ कर्मफल भोगवाक पड़नी ना जमती कौन सी गोटे गच्छर फल को आम देखा अर्थात जदि गोटे गहम गच्छर फल 120 दिन पर हुए गोटे आंब गच्छर फल 6 वर्ष पर हुए गोटे मटर दाना रे 4टी दाना सृष्टि हुए गोटे धान मंजीरु मुठाई धान सृष्टि हुए किंतु समय निए आज नुहे तो काली से निश्चय फल फल ठीक से भरी कर्मर फल आज नहले काली एक गुणा नहले 100 गुणा आम पाखकु तार प्रतिफल आसीबो ही आसीबो तेणु आम जितने कर्म करिथाउ से कर्म 3 प्रकार होइथाय गोटे संजीवनी गोटे क्रियमाण गोटे प्रारब्ध वर्तमान जो कर्म करी था ताको क्रियमाण कर्म कह जाए करिथिबा कर्म से कर्मरु किछि संचित हो रही जाए जहाको संजीवनी कर्म एवं से रही जाइथिबा कर्म को आम जितने वर्तमान भोग करुछु ताको प्रारब्ध कर्म ही कह जाए ए मनीष आज नहले काली ए जन्म नहले परजन्मरे ये 3 प्रकार कर्म को से निश्चिंत भाग रे भोग करिबा को पड़ी थाए आज भगवान आसी कर्मर गहन गति शिखाउछंती कहन गतिर रहस्य खोलुछंती तेणु कौन सी मनुष्य आत्मा तो निजे कर्म करिथाए भूल ठीक कर्म करिबार विचार मध्ये ता पाखरे न थाए सेवा केमती ये श्रेष्ठ कर्मर आ कर्म फलर रहस्य कहि पारिबे भगवान जहाँ आम कहूँ से निजे आम को योग शिखी था अर्थात परमात्मा धरापृष्ठर अवतरण ही आसी कही था योग किपर शिखा जाए योगर विधि कण योगर सिद्धि कण योगर मार्ग कण योग के आधार कह जापर कौन सी मनुष्य आत्मा तो कही पारती कि मु ही योग शिखे थाए आज संसार योग विलुप्त प्राय तेणु मनुष्य आत्मा पाखे यह संभव हो न था योग अर्थात आत्मा परमात्मा अमृत मिलन आत्मा परमात्मा पाखे शुद्ध चिंतन रे निज इंद्रिय सत्ता को भूली जाए अतीन्द्रिय सुखरे बुड़ी रहिबा को ही योग कह जाए तेणु यह समस्त योगर रहस्य स्वयं परमात्मा ही आसी कही थांती परमात्मा ही ए धरापृष्ठ रे निजर अवतरणर रहस्य खोली थांती केही के कहते सत्यरे परमात्मा अवतरणर रहस्य भेद कण भगवान कहते मु ही आसे समय अनुसार ए धरापृष्ठ रे अवतरण करी मो रहस्यर भेद खोली मो भक्त मो साधु सज्जन को उद्धार करी मु पुणी चली जाय थाए कौन सी मनुष्य आत्मा भी कही पारिबेनी मु मो भक्त मान को उद्धार करी मो निज पाख को नहीं जीवी परमात्मा ही जितने धरापृष्ठ रे अवतरण करती से प्रतिटी आत्मा मान को विनाश बा साक्षात्कार करै थांती विनाश साक्षात्कार केही साधारण व्यक्ति विशेषंकर पाखरे संभव नुहे कारण विनाश गोटे एभली जिनस केही केही कही थांती शंकर विनाश करै थांती किंतु वास्तव रे नुहे विनाश 3 प्रकार रहिता है गोटे नेचुरल कलामिटीज गोटे सिविल वार गोटे एटॉमिक वार
जेतळे ई तीन प्रकार विनाश रे परम पिता परमात्मा स्वयं आसी आम समस्त मनुष्य आत्मा मानक द्वारा कर्म करै थांती सेतळे व्यक्ति विशेषर विनाश रप करिवार प्रश्न ही उठुनी। जेउ मनुष्य आत्मा माने भगवान को मानि न थांती भगवान को निज स्वरूप रे जानि न थांती से माने अचिरे विनाश हो जांती। सेतिपई भगवान कहितांती मो ही काल काल र काल महाकाल मु जेतळे धरापृष्ठ रे अवतरण हुए ए आत्मा मानंकु विनाश समय रे मशा सदृश परम धाम को जीवा को हेथाय से समय रे मोर निजर पितार परिचय न थाए मु सेतळे विनाश करिवार धर्मराज हिसाब रे निमित्त हेथाय। तेणु स्वयं परमात्मा ए जो विनाश करि थांती कोनोसी मनुष्य आत्मा करै परिबेनी कारण मनुष्य आत्मा तो निजे विनाश को देखि थांती आउ ये साक्षात्कार को भी देखि थांती से बा केमिति ए सारा विश्व रो विनाश करैबे बा साक्षात्कार करैबे। परमपिता परमात्मा ही आज जुगल रूप रचना करि थांती। जुगल रूप कहिले जेपळे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण राधा कृष्णंकर जोड़ी को कहा जाए किंतु ए समस्त जोड़ी पूर्वरु स्वयं परमपिता परमात्मा कहंती जे मु ही केवल आदिदेव आदिनाथ आदिदेवी आदम ईब रचना करी थाए। परम ब्रह्म कही थांती मु ही ब्रह्मा एवं सरस्वतींकर रचना करी थाए। जदि ए श्रीकृष्ण एवं श्री राधांकर जुगल कथा से ताहले वर्तमान संगम जुगर एही ब्रह्मा और सरस्वती से ही सत्य जुगर श्री राधा और श्रीकृष्ण हो थांती एवं पर मुहूर्त जेतोले तांकर स्वयंवर हुए सेतोले से श्री लक्ष्मी एवं श्री नारायण हो थांती। अर्थात यही जुगल रूप मु ही रचना करी थाए कौनसी मनुष्य आत्मा ए जुगल रूप रचना करी परिवे नहीं। वर्तमान परमपिता परमात्मा आसी उदाहरण दे कहउचंती मो माता कन्या मानंक द्वारा ए धरापृष्ठ रे सब समस्त को उद्धार करी सत्य जुगर स्थापना निमन्ते मु उद्बोधन दे थाए। सत्यरे ए शास्त्र पुराण रे लेखा छि जे भगवान ही जरासंध कबल रु माता कन्या एवं तपस्वी मान गोपी गोप मानंक उद्धार करथिले तेणु एई माने ही सत्य जुग स्थापन करिवारे निमित्त बनंती। आज आम देखिबा माता कन्या को नारी को नरकर द्वार कहा जाउथिला बेले भगवान आसी स्वर्गर द्वार कहिचंती जे नारी श्रेष्ठ नारी धर्म नारी ही सृष्टार सकल शक्तिर आधार तेणु परमात्मा नारी मानंक द्वारा माता गुरु प्रथार प्रचलन करी ए सत्य युग निर्माण पाई कि पवित्रतार कलश से मानक मस्तक रखी सत्य युग निर्माण करने चेष्टित होती से मानकर सहनशीलता सरलतार गुण को लोकलोचन को आनी था ये कर्म कौन सी मनुष्य कही पारे तेणु परमपिता परमात्मा ये धरापृष्ठ बुद्ध शरीर में अवतरण होता कहीं कहीं कहती भगवान तो कौन सी महात्मा शरीर अवतरण हे बास्तव में ता नुह परमात्मा ये धरापृष्ठ आज महात्मा ही साधारण वृद्ध तन अवतरण करी सत्ज्ञान दौंती जहाँ को आम ब्रह्मा कहता अर्थात परम ब्रह्म रु स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा शरीर में अवतरण करी ब्रह्म ज्ञान दे कर्तव्यवाचक ना रखा जा प्रजापिता ब्रह्मा। तेणु परमपिता परमात्मा ही धरापृष्ठ में अवतरण करती क्यों आत्मा केत आ क्यों समय धरापृष्ठ को छाड़ी जाती प्रकृति में 5000 वर्षर समय रे आत्मा माने परमधाम आसी निज निज अभिनय करी पुनर्बार धरापृष्ठ रु परमधाम को फेरी जाती। परमपिता परमात्मा ही कही मनमना भवर महामंत्र गीतार कहींपारे जे मनमना भवर आदेश आ उपदेश अर्थ परमात्मा से यह कही केवल भगवान ही गीतार महामंत्र अर्थात मन मना भावर आदेश उपदेश दे थी तेणु मनुष्यात्मा यह सब करने को असमर्थ। परमात्मा प्रकृतरे एभली गोटे आत्मा जहाँ को आम सकल शक्ति ज्ञान मूल्यर स्रोत कही था सकल शक्तिर उत्स कही था जहाँ को आम अजन्मा अभोक्ता अशरीर अयोनिज अपरिवर्तनीय कही था जो परमपिता परमात्मा को आम सर्वोच्च सर्वज्ञ सर्वश्रेष्ठ सर्वधर्ममान्य सदा उपरे कही था आज संसार रे
ये संगम जुगर परिवर्तन रे समय नहीं परमात्मा धरा पृष्ठ रे प्रति आत्मा मानंकु उद्धार करबा पई आज सदा चेष्टित ता एई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे जे ज्ञान दिया जाउची जदि आमे से ज्ञान को जीवन रे धारण करबा ताहले आमे परमात्मांकर अवतरण विषय रे सत्यासत्य जानी परिबा अर्थात मु किए केउठ आसीछि मु केउठिक जाय दुख कण सुख कण युग कण धर्म कण जन्म कण राजयोग कण सृष्टि कण संसार कण प्रकृत कथार गुह रहस्य परमात्मा अवतरण ही आसी ही आमको कही था वर्तमान संसार समय रे सतर्क घंटी सूचना दि जाऊँगी यही घड़ी सन्धि मुहूर्त परमात्मा आमको उद्धार कर सत्ज्ञान दौंती आसतु परमात्मा अवतरण ज्ञान को शुणा जानिबा निज जीवन को श्रेष्ठ करिबा आनंद रे भरपूर है गोटे सुंदर छोट दीप है सारा विश्व को प्रज्वलित करी परमात्मा अवतरण रो सत्य संधान प्रति आत्मा मानक पाखरे पहुंचे पारिबा। ओम शांति। जगोरे जगोरे जगत जन स्वयं आत्मा होई जगोरे जगत जन स्वयं आत्मा होई जीवन सार्थक हेबो मो आत्मा कही जगरे जगत जन स्वयं आत्मा होई जीवन सार्थक हेबो मो आत्मा कही पिता परमात्मा जगत कारण आत्मा पिता परमात्मा जगत कारण राज्य जोग बणे कर तांकु सुमरण जन्म जन्मांतर पाप जीव धोई होई जगरे जगत जन स्वयं आत्मा होई जीवन सार्थक हेबो मो आत्मा कही जगरे जगत जन स्वयं आत्मा होई जीवन सार्थक हेबो मो आत्मा कही अंतरे जड़ाओ नीति शिव बाबा ज्ञान अंतरे जड़ाओ नीति शिव बाबा ज्ञान प्रजापिता ब्रह्म बाबा सभीक बंधन जहांको शरीर शिव आसीबे ओलाई जगरे जगत जन स्वयं आत्मा होई जीवन सार्थक हेबो मो आत्मा कही जगरे जगत जन स्वयं आत्मा होई जीवन सार्थक हेबो मो आत्मा कही जगरे जगरे
जगत जन स्वयं आत्मा होई जीवन सार्थक हेब मो आत्मा कही जगरे जगत जन स्वयं आत्मा होई जीवन सार्थक हेब मो आत्मा कही।